हेलो गाइज, मैं निर्मल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निर्मल निस्गिल में। तो दोस्तों, इस वाले 4 फीट डिश एंटीना पर आज हमने सेट किया है मेस सेट, जो कि 91 डिग्री ईस्ट है, 91 डिग्री ईस्ट। तो दोस्तों, इस पर कौन कौन से चैनल है दोस्तों, स्कैन करके देखेंगे। ये मेरा सॉलिड का 5G फिल्टर LNB है। तो देखते हैं कितने चैनल हमें रिसीव होते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं इसका LNB SKU सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ से मैं करीब से आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे LNB के हिसाब से इसका LNB SKU जो है 20 पर है, इसका इतना ही होता है। और LNB की डायरेक्शन आप चेक कर सकते हो, अगर आपके पास कोई और LNB है तो वो आगे पीछे हो सकता है। तो साइड से भी देख लीजिए दोस्तों, इतना डिश हमारा ऊपर को उठता है मेन सेट 91 डिग्री ईस्ट के लिए। तो दोस्तों, यहाँ से भी आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर हमारा 93 ईस्ट है। तो 93 ईस्ट से बस थोड़ा सा ही फ़र्क है, ये देखिए मार्क यहाँ तक आया है। बस हल्का सा ही डिश को इस तरफ मूव करना है, इस तरफ, ये देखिए। तो यहाँ थोड़ा इस तरफ से धूप आ रहा है, तो सही से शायद आप देख पा रहे हो। ये देखिए, ये जो मार्क आया है यहाँ पर अपना 93 DD free है। बस हल्का सा ही इस तरफ को मूव करना है आपको। तो चलिए देख लेते हैं चैनल भी स्कैन करके। तो दोस्तों, वायर आप चेक कर लीजिए, हमारे सी बैंड LNB से सीधा सेटअप बॉक्स पर कनेक्ट है। तो दोस्तों, यहाँ टीपियाँ मैं पहले ही डिलीट कर चुका हूँ, तो वो कोई बात नहीं, मैं आपको स्कैन करके फिर टीपी भी चेक करा दूँगा कौन सी टीपी पर मैं सिग्नल मिलाया हूँ। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, अगर मैं इस वाले फ्रिक्वेंसी पर इसे स्कैन करता हूँ तो दोस्तों मुझे करेक्ट टीपी रिसीव होती है, और अगर मैं इसे इस वाले टीपी पर फ्रिक्वेंसी पर स्कैन करता हूँ तो दोस्तों टीपियाँ जो है चेंज हो जाती हैं। एक बार आप भी ऐसा करके देख लीजिए और टीपियाँ भी डबल रिसीव होती हैं। तो मैं पहले इस वाले फ्रिक्वेंसी पर आपको स्कैन करके दिखाऊंगा। दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इतनी बारीकी से दोस्तों कोई भी आपको समझाएगा नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और ऐसी वीडियो आगे भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है मिल सके। तो देखते हैं कौन कौन से चैनल इस पर आज हमें रिसीव होते हैं। तो यहाँ थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो दोस्तों, स्कैन हमारी फटाफट कंप्लीट हो गई है, एक चैनल ही हमें मिला है टीवी के कंबोडियन। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ फ्रिक्वेंसी का फंडा। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर स्कैन करूँगा तो दोस्तों मुझे और भी चैनल मिल जाएंगे, लेकिन इस वाले पर मुझे चैनल एक ही मिलता है और फ्रिक्वेंसी करेक्ट आती है। अगर इस वाले पर मैं स्कैन करूँगा तो दोस्तों फ्रिक्वेंसी जो है चेंज हो जाएगी। तो चलिए पहले मैं आपको चैनल चलाकर भी दिखा दूँ, तो फिर मैं उस वाले फ्रिक्वेंसी पर भी आपको चेक करा दूँगा। देखिए, चैनल एक ही मुझे मिला है, क्योंकि मेरे यहाँ जब से 5G स्टार्ट हुआ है तो दोस्तों चैनल बहुत कम मिलते हैं मुझे, कोई कोई सैटेलाइट तो सेट ही नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे वाले फ्रिक्वेंसी पर भी स्कैन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं टीपी को रिमूव कर लूँ।
क्योंकि ये वाला जो LNB फ्रिक्वेंसी है ये नॉर्मल LNB के लिए बना है। तो देखते हैं अब हमें कितने चैनल रिसीव होते हैं। तो वीडियो को यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक ही टीपी हमें दो बार रिसीव हो गई है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो टीपी जो है चेंज हो गई है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आपके पास अगर 5G LNB है तो आप इसी फ्रिक्वेंसी को लगाकर स्कैन कीजिए, तभी आपको करेक्ट फ्रिक्वेंसी रिसीव होगी, सॉरी टीपी रिसीव होगी। तो उम्मीद करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे पाया। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।